साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो आगामी UPPCS 2023 की मुख्य परीक्षा और UPSC की मुख्य परीक्षाएं होनी है, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट देख रहे हैं। और इसी कड़ी में हम लोग जो है विजन IAS कोचिंग संस्था के द्वारा जो अप्रैल 2023 मंथ की करंट अफेयर की मैगजीन है, तो इस मैगजीन से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके मुख्य परीक्षा के लिए उससे प्रश्न बन सकते हैं, उन टॉपिक को यहाँ पर देखेंगे। तो ये आपकी मुख्य परीक्षा के साथ साथ जो आगामी प्रीलिम्स की जो भी परीक्षाएं होंगी या जो भी वन डे एग्जाम होंगे, उन सभी के लिए भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग इसका जो राज्य व्यवस्था एवं शासन वाला जो टॉपिक है, इसके तहत जो विभिन्न टॉपिक दिए गए हैं, उन टॉपिकों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंटरनेट पर जाना है, गूगल में जाकर के विजन IAS मंथली मैगजीन डालेंगे। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा और इंग्लिश में चाहेंगे तो आप इंग्लिश में मिल जाएगा आपको, मतलब इंटरनेट पे इसकी मैगजीन फ्री में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं राज्य व्यवस्था एवं शासन अर्थात पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो ये जो आपका टॉपिक है ये GS पेपर 2 से संबंधित है, तो GS पेपर 2 के हिसाब से इस कंटेंट को आप देखिएगा। तो इसमें जो पहला टॉपिक है इसके तहत उसकी हम लोग बात करते हैं, वो है आपका मूल ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इससे आपके प्रश्न बनने के चांसेस रहेंगे। और ये इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि हाल ही में ऐतिहासिक केशवानंद भारती जो निर्णय 1973 का था, 1973 का, इसके 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जो केशवानंद भारती वाद 1973 था, इसके बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा, तो इसमें जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत आता है वो आपका केशवानंद भारती वाद से ही निकल करके आता है। तो यहाँ पर हम मुख्यतः मूल ढांचे के सिद्धांत से संबंधित जो विभिन्न पहलू हैं उन पहलुओं की बात करेंगे। और यहाँ आप एक फैक्ट याद रखिएगा कि जो केशवानंद भारती वाद था, इस वाद की सुनवाई 13 न्यायाधीशों की एक पीठ के द्वारा की गई थी और यह सुप्रीम कोर्ट में गठित अब तक की सबसे बड़ी पीठ रही है। और इस वाद के जो मुख्य निष्कर्ष थे, वो मुख्य निष्कर्ष क्या थे कि मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में जो 24वां संविधान संशोधन था उसकी वैधता को बरकरार रखा था, तथा साथ ही यह निर्णय दिया था कि संसद को संविधान के किसी भी या सभी प्रावधानों, जिसमें मूल अधिकार भी शामिल है, में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, बशर्ते संशोधन द्वारा संविधान की मूलभूत विशेषताओं या मूल सिद्धांतों में परिवर्तन या उनकी क्षति अथवा लोप नहीं होना चाहिए। इसे ही मूल ढांचे के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर हम लोग मूल सिद्धांत के बारे में बात करते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है मूल ढांचा। तो देखिए, मूल ढांचे के सिद्धांत के अनुसार संविधान में कुछ ऐसी मूलभूत विशेषताएं विद्यमान हैं जिन्हें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया जा सकता है। भारत के संविधान में कहीं भी मूल ढांचा पद का उल्लेख नहीं किया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब मूल ढांचे के सिद्धांत का महत्व क्या है, उस महत्व की यदि बात करें तो देखिए, यह जो है अर्थात मूल ढांचे के सिद्धांत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्त को उचित रूप से नियंत्रित करता है, तथा दूसरा यह सुनिश्चित करता है, अर्थात मूल ढांचे के सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज बना रहे, साथ ही अपने मूलभूत मूल्यों और सिद्धांतों को संरक्षित करते हुए समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता रहे। तो समय के साथ इसमें आप संशोधन कर सकते हैं, पर जो मूल ढांचा है उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तीसरा, इसके तहत कानून का शासन, शक्तियों का पृथक्करण और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसे कई सिद्धांतों को मूल ढांचे में शामिल किया गया है, ये भारत में संवैधानिक कानून का आधार बन गए हैं। अगला पॉइंट है, यह सुनिश्चित करता है, मतलब मूल ढांचे के सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि संविधान का संघीय ढांचा कमजोर न हो, तथा यह संविधान की व्याख्या करते समय भारतीय न्यायपालिका के दृष्टिकोण को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब मूल ढांचे के सिद्धांत के समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं, उन चुनौतियों की बात करने से पहले यहां पर हम लोग मूल ढांचे या कुछ सिद्धांत जो वर्तमान में मूल ढांचे के भाग हैं उनको भी देख लेते हैं। तो यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो इनमें से आप 3-4 को उदाहरण के तौर पर नोट कर, मतलब लिख सकते हैं। तो भारत की संप्रभुता, नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, कल्याणकारी राज्य का निर्माण, संविधान की सर्वोच्चता, गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक सरकार, संविधान का पंथ निरपेक्ष और संघीय स्वरूप, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, राष्ट्रीय
राष्ट्र की एकता और अखंडता, न्यायिक समीक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकारों और राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन आदि, ये सभी क्या हैं? ये मूल ढांचे के भाग हैं। तो आपका इससे पीटी में प्रश्न बन सकता है कि निम्न से मूल ढांचे के भाग कौन से हैं, तो आप इनको याद रखिए। अब चुनौतियों की बात कर लेते हैं। चुनौतियों से पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि मूल ढांचे के सिद्धांत से संबंधित कौन कौन से वाद रहे। तो वाद में डिटेल में आपकी जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप केवल वादों के नाम याद रखिएगा। तो आप प्रश्न जब पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हैं कि निम्न वाद जो हैं मूल ढांचे के सिद्धांत से संबंधित हैं। जैसे पहला है आपका इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद 1975 का, फिर 1980 का मिनर्वा मिल्स वाद आता है, फिर 1981 का वामन राव बनाम भारत संघ वाद आता है, फिर इसके बाद आपका 1992 का जो है किहितो होलोहन बनाम जा चिल्हू वाद आता है, और इसके बाद 1992 में ही इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद आता है, और 1994 में SR बम्बई बनाम भारत संघवाद है। तो ये सारे वाद जो हैं या केसेस, ये मूल ढांचे के सिद्धांत से संबंधित रहे हैं। अब हम लोग चुनौतियों की बात कर लेते हैं। तो पहला है मूल ढांचे के दायरे को परिभाषित नहीं किया गया है। देखिए, मूल ढांचे में क्या क्या शामिल है इस संदर्भ में प्रायः विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे मूल ढांचे की अलग अलग व्याख्या और भ्रम की संभावना बनी रहती है, क्योंकि मूल ढांचे के सिद्धांत की कोई सुपरिभाषित या स्पष्ट परिभाषा नहीं है। दूसरा, न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म का विस्तार होता है इससे। देखिए, मूल ढांचे के सिद्धांत के उपयोग से न्यायालय जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा पारित संविधान संशोधन को अमान्य घोषित करने में समर्थ हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार के लिए पारित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को रद्द कर दिया था। तीसरा पॉइंट है, संसदीय संप्रभुता के साथ संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि यह सिद्धांत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियों पर एक सीमा आरोपित करती है। इसे संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के समक्ष एक चुनौती के रूप में माना जाता है। इसके अतिरिक्त अगला है, संविधान संशोधन में कठिनाई होती है। देखिए, इस सिद्धांत के कारण संविधान में संशोधन करना कठिन हो सकता है, भले ही ऐसे संशोधन बदलती सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अनिवार्य ही क्यों ना हो। अब इसमें वे फॉरवर्ड क्या है, आगे क्या किया जा सकता है, इसमें क्या सुधार हो सकता है, तो उनकी बात करें तो पहला है, परिभाषा में स्पष्टता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल ढांचे को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है। साथ ही कोर्ट द्वारा उन मूल्यों एवं मौलिक सिद्धांतों को भी परिभाषित किया जाना चाहिए जिन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता है। दूसरा, इस सिद्धांत के अनुप्रयोग में निरंतरता होनी चाहिए, मतलब इस सिद्धांत को सभी मामलों में सतत रूप से लागू किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि राज्य के किसी भी अंग द्वारा संविधान की मूल विशेषताओं के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सके। तीसरा, न्यायिक सक्रियता को सीमित किया जाना चाहिए। न्यायालयों को संविधान की व्याख्या तथा मूल ढांचे के संरक्षण संबंधी कार्यों में संयम बरतना चाहिए। साथ ही न्यायालयों को शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत और संसद की भूमिका का भी सम्मान करना चाहिए। अगला पॉइंट है, जन जागरूकता और जनभागीदारी होनी चाहिए। मूल ढांचे के सिद्धांत के महत्व और देश के शासन पर इसके प्रभाव को समझने के लिए जन जागरूकता और जन भागीदारी की आवश्यकता है। इससे मूल ढांचे के सिद्धांत के प्रति जन समर्थन के निर्माण और संविधान के संरक्षण में इसकी निरंतर प्रासंगिकता को बनाए रखने में मदद मिल सकती है। तो इस प्रकार से मूल ढांचे से प्रश्न बनता है कि मूल ढांचा क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी चुनौतियाँ क्या हैं और आगे क्या किया जा सकता है, तो इन प्रश्नों का जवाब आप इन पॉइंटों के तहत दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, मतलब अगला टॉपिक है, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया के बारे में। तो देखिए, हुआ क्या है कि 2023 में भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। 30 वर्ष पूरे हो गए, चूंकि ये 1993 में लागू हुआ था, यह अधिनियम 1992 का था, 93 में लागू हुआ था, 2023 चल रहा है, तो आपके 30 साल पूरे हो गए। तो 73वें और 74वें संशोधन के परिणाम स्वरूप ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की स्थापना हुई थी और इससे एक त्रिस्तरीय संघीय ढांचे का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो इसलिए हमें जो भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से संबंधित यह जो अधिनियम है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए और इससे प्रश्न बन सकता है। और यहाँ एक फैक्ट याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश 93 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में दी गई त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य रहा है। तो ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ आगे बढ़ने से पहले हम लोग जो है 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के बारे में बात करें तो इसमें क्या है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। दूसरा, भारत के संविधान में एक नया भाग अर्थात भाग 9 के
को जोड़ा गया, और साथ ही इस भाग में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक का प्रावधान शामिल किया गया। और तीसरा, संविधान में एक नई सूची अर्थात 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस सूची में पंचायतों के लिए 29 कार्यात्मक विषय शामिल है, मतलब कितने विषय हैं, 29। दूसरा पॉइंट है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। देखिए, इसमें शहरी स्थानीय सरकारों या निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और संविधान के भाग 9A को जोड़ा गया। इसके तहत संविधान में भाग 9A जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG तक प्रावधान शामिल हैं और संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस सूची में नगर पालिकाओं के लिए 18 कार्यात्मक विषय शामिल किए गए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय जो है वो केंद्र या राज्य सरकारों से स्थानीय सरकारों जैसे कि पंचायत और नगर पालिका को शक्ति, संसाधनों तथा निर्णय निर्माण के अधिकार के हस्तांतरण से है। तो आप ये लाइन याद रखिएगा कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय केंद्र या राज्य सरकारों से स्थानीय सरकारों जैसे पंचायत और नगर पालिका को शक्ति, संसाधनों तथा न्याय निर्णयन के अधिकार का हस्तांतरण है। संसद ने 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को 1992 में पारित किया और इन्हें 1993 में लागू किया गया था। ये अत्यंत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे जिन्होंने भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। अब इसके समझ जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के बारे में बात करने से पहले हम लोग जो हैं यहाँ पर भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बाद की उल्लेखनीय उपलब्धियाँ क्या रही हैं, मतलब जब से 73वां या 74वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया तो इसकी उपलब्धियां क्या रही हैं। तो पहला, महिलाओं और वंचित समुदायों का सशक्तिकरण हुआ है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी लगभग 49% है, 49%। ठीक है, और राजस्थान उत्तराखंड छत्तीसगढ़ और केरल जैसे राज्यों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या उनके पुरुष समकक्षों की संख्या से अधिक हो गई। कहाँ पे? राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और केरल में। इसके अतिरिक्त महिलाओं और SC/ST के बढ़ते प्रतिनिधित्व के कारण सकारात्मक प्रभाव, इसके कारण क्या हुआ है कि महिलाओं के लिए समुदाय आधारित कल्याण पर किए जाने वाले व्यय में वृद्धि के साथ साथ अपराधों की रिपोर्टिंग में भी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही अनुसूचित जाति के सरपंच या प्रधानों द्वारा इस जाति की बस्तियों में सार्वजनिक वस्तुएं उपलब्ध कराने हेतु निवेश किए जाने की अधिक संभावना है। इससे भारत के पूर्ण रूप से पृथक गांवों में एक उल्लेखनीय परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, जो SC/ST बस्तियां हैं तो वहां पे भी विकास के कार्यक्रम लागू होंगे। तीसरा, राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। इन अधिनियमों के कारण धन, फंड, कार्यों, फंक्शन और पदाधिकारियों, फंक्शनरीज के, मतलब 3F के हस्तांतरण के संबंध में अलग अलग राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई। जैसे केरल ने सभी 29 कार्यों को पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया है। आपका जो 11वीं अनुसूची है जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में 29 विषय हैं और 12वीं में नगर पंचायतों के संबंध में या जो नगरीय निकाय हैं उनके संबंध में 18 विषय हैं, तो केरल ने सभी 29 कार्यों को पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया है। बिहार ने पंचायत सरकार के विचार को प्रतिपादित किया है, पंचायत सरकार के विचार को, और विविध राज्यों जैसे कि ओडिशा ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण सीमा को 50% तक बढ़ा दिया। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण जो आप अपने आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के समक्ष जो चुनौतियां हैं। तो उससे पहले हम लोग भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के महत्व को देखें तो ये इससे क्या हुआ, इससे वंचित समुदायों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलता है तथा सार्वजनिक सेवा वितरण को दक्ष एवं प्रभावी बनाता है, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाता है और यह लोकतंत्र को मजबूत करता है, साथ ही समावेशी विकास को बढ़ावा देता है। अब चुनौतियों पे आ जाते हैं। तो पहली चुनौती क्या है, सीमित शक्तियां और संसाधन। पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिसिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कोई नियंत्रण प्राप्त नहीं होता है। साथ ही ये केंद्र और राज्य सरकारों के अनुदानों पर निर्भर होते हैं। इससे विकास योजनाओं को स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित करने की उनकी क्षमता बाधित होती है। दूसरा, आर्थिक असमानताएं। कुछ राज्यों और जिलों के पास अन्य की तुलना में बेहतर संसाधन व अवसंरचना उपलब्ध होती, इससे असमान विकास को बढ़ावा मिलता है। तीसरा, नौकरशाही संबंधी बाधाएं। आपकी पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों को अपनी योजनाओं व परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में नौकरशाही से संबंधित बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन बाधाओं में अनुमोदन में विलंब, अदक्ष कार्यान्वयन और भ्रष्टाचार शामिल हैं।
राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, नियंत्रण खोने के भय से केंद्र और राज्य सरकारें प्रायः सत्ता एवं शक्तियों के प्रभावी हस्तांतरण के लिए इच्छुक नहीं होती हैं। जैसे वित्त आयोग की नियुक्ति में विलंब इसका एक प्रमुख उदाहरण है। साथ ही इस आयोग की सिफारिशों को शायद ही कभी बजटीय योजनाओं में शामिल किया गया है किया जाता है या स्थानीय सरकारों की वित्तीय स्वायत्तता को भी कम करता है। अगला है चुनौती, समानांतर निकायों का निर्माण करना। कई राज्यों ने पंचायतों को सौंपे गए कार्यों को संभालने के लिए समानांतर निकायों का निर्माण किया। उदाहरण के लिए हाल ही में हरियाणा सरकार ने स्थानीय निकायों के कार्यों की देखरेख के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास एजेंसी सृजित की है। सामाजिक, अगला जो चुनौती है वो सामाजिक असमानता की। महिलाओं और वंचित समुदायों को प्रायः स्थानीय निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह भेदभाव उनकी भागीदारी और प्रभाव को सीमित करता है। अगला है उत्तरदायित्व का अभाव। स्थानीय निर्णय निर्माण की प्रक्रियाओं में प्रायः उत्तरदायित्व और पारदर्शिता की कमी होती है। इसके कारण भ्रष्टाचार तथा संसाधनों के दुरुपयोग को बढ़ावा मिल सकता है। अगला है कमजोर क्षमता निर्माण। प्रायः स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं, नगरीय स्थानीय निकायों के पास अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक तकनीकी व प्रशासनिक क्षमता की कमी होती है। तो ये कुछ चुनौतियां हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो देखिए, पहला है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इसे स्थानीय विकास की जरूरतों के प्रति जो है पंचायती राज संस्थाओं को अधिक उत्तरदायी बनाने तथा उनकी क्षमताओं को विकसित और मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। दूसरा है ई ग्राम स्वराज, या उपयोगकर्ताओं के अनुकूल एक वेब आधारित पोर्टल है। इसके जरिए ग्राम पंचायतों की योजना, लेखा जोखा और निगरानी कार्यों को एकीकृत किया गया है। सबकी योजना सबका विकास जन योजना अभियान, इसे देश भर में ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए शुरू किया गया। इन योजनाओं को एक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाता है जहां कोई भी सरकार की प्रमुख योजनाओं की स्थिति को देख सकता है। अगला है पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, बैकवर्ड रीजन्स ग्रांट फंड BRGF। इसके तहत कुछ चिन्हित पिछड़े जिलों में स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचे और अन्य विकास आवश्यकताओं में विद्यमान कमियों को दूर करने के लिए फंड दिए जाते हैं। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान। तो यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। यह संस्थान ग्रामीण विकास से जुड़े अधिकारियों, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों, बैंकरों, ग्राम सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण को क्षमता निर्माण का काम करता है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, इसके तहत अलग अलग मानदंडों और संकेतकों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों का चयन कर उन्हें अवार्ड दिया जाता है। स्वामित्व योजना, इसका उद्देश्य गांव में अपने घरों के मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी कर उन्हें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, संपत्ति अधिकार अभिलेख प्रदान करना है। इस प्रकार यह भूमि के स्वामित्व के मामले में सटीक डेटा उपलब्ध कराकर पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाता है। तो ये कुछ ऐसे कदम हैं जो उठाए गए हैं पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए। तो एग्ज़ाम में आप इसके बारे में डिटेल में नहीं लिख सकते हैं, टाइम नहीं रहता है और उतने वर्डों में लिखना नहीं होता है, तो आप केवल पॉइंट लिखते जाइए। जैसे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ई ग्राम स्वराज, सबकी योजना सबका विकास, जन योजना अभियान, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, स्वामित्व योजना, तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन से कदम उठाए गए। तो ये केवल इतने ही पॉइंट आप लिख करके काम चला सकते हैं। अब आगे की राह क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। तो पहला तो वित्तीय हस्तांतरण को मजबूत करना चाहिए। इस लक्ष्य को वित्त आयोग से धन के अधिक आवंटन के माध्यम से और वित्त पोषण के नवीन स्रोतों जैसे कि नगर पालिका बॉन्ड आदि का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों का निरंतर क्षमता निर्माण करने एवं उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान जैसे समर्पित प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करके और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करके प्राप्त किया जा सकता है। अगला है कानून के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना। यह सहभागितापूर्ण योजना निर्माण, बजट और योजनाओं के सार्वजनिक प्रकटीकरण तथा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में नागरिकों की अधिकतम भागीदारी के माध्यम से संभव हो सकता है। अगला है प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, टेक्नोलॉजी का। ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन जैसे ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म का कुशल कार्यान्वयन करना चाहिए। साथ ही इनके संबंध में जागरूकता का प्रसार करना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म नागरिकों को पंचायती राज संस्थाओं के साथ परस्पर संपर्क स्थापित करने और सूचना तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। महिलाओं की भूमिका को मजबूत बनाना। एक संसदीय पैनल ने अपनी रिपोर्ट में सरपंच पति या प्रधानपति की प्रचलित अवधारणाओं को रोकने की मांग की थी। रिपोर्ट में
इसके लिए पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने और उनके क्षमता निर्माण के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने पर बल दिया गया था। सरपंच पति या प्रधानपति पद निर्वाचित महिला सरपंचों के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य करने वाले उनके पति को संदर्भित करता है, प्रधानपति या सरपंच पति। अब चलते हैं आगे, अगला टॉपिक है आपका सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बन सकता है। तो देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत में सहकारी संघवाद के महत्व को रेखांकित किया था। अब हम लोग बात करते हैं सहकारी संघवाद है क्या, तो ये इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, सहकारी संघवाद है क्या। तो सहकारी संघवाद संघ और राज्यों के बीच क्षैतिज हॉरिजॉन्टल संबंध को प्रकट करता है, साथ ही यह दर्शाता है कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे से ऊपर नहीं है। सहकारी संघवाद में परिकल्पना की जाती है कि राष्ट्रीय और राज्य एजेंसियाँ सरकारी कार्यों को संयुक्त रूप से पूर्ण करेंगी, न कि अलग अलग। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए कई विधियों को बंधित किया गया है। नीति आयोग, जिसे इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग की कुछ प्रमुख भूमिकाओं में सहयोग आधारित नीति निर्माण, केंद्र राज्य संवाद, राज्यों को प्रोत्साहन देना और निगरानी और मूल्यांकन करना शामिल है। भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है, वो बंधित संवैधानिक प्रावधान, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, तो इसको याद रखिएगा। पहला है 7वीं अनुसूची, यह समनुसंगिता के सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी के आधार पर संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों का निर्धारण करती है। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाएं, एकीकृत न्याय प्रणाली, यह राज्यों के साथ साथ केंद्रीय कानूनों को भी लागू करने के लिए उत्तरदायी है। वहीं अंतर राज्य परिषद केंद्र और राज्यों के बीच साझा हित के विषय पर चर्चा एवं जांच करने के लिए अनुच्छेद 263 के तहत इसके गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 261 के तहत उपबंधित पूर्ण विश्वास और पूर्ण मान्यता संबंधी खंड, इसके तहत प्रावधान किया गया कि संघ और प्रत्येक राज्य के सभी सार्वजनिक अधिनियमों, अभिलेखों एवं न्यायिक कार्रवाइयों को देश भर में पूर्ण विश्वास तथा मान्यता प्राप्त होगी। अगला है क्षेत्रीय परिषदें, इनकी स्थापना अलग अलग क्षेत्रों के मध्य संबंध समन्वय सुनिश्चित करने के लिए की गई है, साथ ही इन्हें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत सांविधिक निकायों के रूप में स्थापित किया गया है। वित्त आयोग, संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संस्थानों के वितरण की सुविधा की अनुशंसा करने के लिए अनुच्छेद 268 के तहत इसकी स्थापना हेतु उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 279 के तहत जीएसटी परिषद, तो यह जीएसटी की दरों और उसके कार्यान्वयन के तौर तरीकों को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो सहकारी संघवाद को, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देते हैं। अब बात करते हैं कि भारत में सहकारी संघवाद की आवश्यकता क्यों है, तो आवश्यकता क्यों है, तो इस आवश्यकता को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कुल 5 बिंदुओं के तहत इसको हम लोग समझ सकते हैं। पहला है क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने हेतु, तो राज्यों को सामाजिक, आर्थिक और अवसंरचना संबंधी अंतराल को समाप्त करने हेतु केंद्र सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए, इस सहयोग के माध्यम से वे समावेशी और संतुलित विकास प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु, केंद्र सरकार की नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पर्याप्त सहयोग की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई नीतियाँ राज्यों द्वारा लागू की जाती हैं। तीसरा, संसाधनों की साझेदारी हेतु, सहकारी संघवाद संसाधनों के उचित और समान बंटवारे की सुविधा प्रदान करता है, इससे विकास के लिए सभी राज्यों के संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित होती है। अगला है लोकतंत्र को मजबूत बना करने हेतु, सहकारी संघवाद राज्यों को अधिक स्वायत्तता देते हुए सत्ता के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में लोगों की विविध आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखा गया है। और पांचवां है उभरते मुद्दों पर सहयोग हित, देखिए सहकारी संघवाद यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों को एक समन्वित तरीके से निपटाया जाए। समन्वित तरीके से आशय कि सरकार के सभी स्तर एक साझा लक्ष्य की दिशा में साथ मिलकर कार्य करें, ठीक है, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और हो सके तो स्थानीय स्तर पर। अब बात करते हैं भारत में सहकारी संघवाद के समक्ष जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को भी हम 5 बिंदुओं के तहत देख सकते हैं। पहला है सत्ता का अत्यधिक विकेंद्रीकरण का होना, सेंट्रलाइज होना, कुछ मामलों में केंद्र को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, साथ ही केंद्र द्वारा ऐसे नियम और विनियम अधिरोपित कर दिए जाते हैं जो कुछ राज्यों को अपने लिए भेदभावपूर्ण प्रतीत होते हैं। परिणामतः केंद्र और राज्यों के बीच हितों के टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए कोविड महामारी के दौरान आपदा प्रबंधन अधिनियम का उपयोग केंद्र द्वारा प्रभावी रूप से राज्यों की उपेक्षा करने और पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने हेतु किया गया था। दूसरा है राजनीतिक मतभेद,
केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों को लक्षित करने तथा उन्हें वित्त एवं संसाधनों से वंचित करने हेतु अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया जाता है। तीसरा है अंतर्राज्य विवाद। प्रायः केंद्र सरकार से जल और भूमि संसाधनों पर अलग अलग राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों में मध्यस्थता करने के लिए मांग की जाती है। इस प्रकार की मध्यस्थता में केंद्र सरकार की पक्षपात करने के लिए आलोचना की जाती है। अगला है विविधता। देखिए भारत की विविधता जो है डाइवर्सिटी, अलग अलग क्षेत्रों के लिए नीति निर्माण हेतु एक अनुकूलित दृष्टिकोण कस्टमाइज अप्रोच की मांग करती है। इससे केंद्र व राज्य सरकारों के बीच सहयोग और भी कठिन बन जाता है। पांचवा है राज्य के मामलों में हस्तक्षेप। इसके कारण राज्यों की स्वायत्तता में कमियां हो गई है। उदाहरण के लिए नए कृषि कानूनों पर उत्पन्न हालिया विवाद ने केंद्र सरकार और राज्यों के बीच तनाव को उजागर किया है। ध्यातव्य है कि इन कानूनों का कई राज्य विरोध कर रहे हैं। इसी प्रकार से राज्यपाल का भी एक मुद्दा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं भारत में सहकारी संघवाद को मजबूत करने के लिए आगे की राय क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। पहला, स्थानीय निकायों को जो है सशक्त बनाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों जैसे स्वशासन इकाइयों को विकासात्मक गतिविधियों को प्रारंभ करने सशक्त बनाया जाना चाहिए। उन्हें विकास प्रक्रिया में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने के लिए भी सक्षम बनाया जाना चाहिए। दूसरा, वित्तीय हस्तांतरण करना। राज्यों के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने और राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाया जाना चाहिए। तीसरा है सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना। विविध विवादास्पद मुद्दों जैसे कि विशेष रूप से भूमि, श्रम और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मुद्दों पर राज्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना चाहिए। अगला है केंद्र राज्य विवादों का समाधान करना। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जल के बंटवारे, अंतर्राज्य सीमाओं और अन्य मुद्दों से संबंधित विवादों का समाधान करने के लिए अलग अलग अधिकरणों की स्थापना की है। यह विश्वास निर्माण तथा समन्वय एवं सहयोग के लिए अनुकूल परिवेश बनाने में सहायता करेगा। पैरा डिप्लोमेसी को बढ़ावा देना। देखिए पैरा डिप्लोमेसी प्रायः राज्य व्यापार वाणिज्य, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में राजनयिक उपाय अपनाने हेतु बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। इसलिए पैरा डिप्लोमेसी सहकारी संघवाद का एक बड़ा उदाहरण बनकर उभर रहा है, जो राज्यों को देश के विकास में समान भागीदार बना रहा है। पैरा डिप्लोमेसी तात्पर्य विदेश नीति के विकेंद्रीकरण से है, विदेश नीति में राज्यों को शामिल करने से। भारत की G20 की अध्यक्षता, उदाहरण के तौर पर भारत की G20 की अध्यक्षता तथा अलग अलग शहरों में आयोजित बैठकें सहकारी संघवाद को और बढ़ावा देंगी। अगला पॉइंट है समावेशी निर्णय निर्माण सुनिश्चित करना। आगे की राह जो है बेपार्वर शासन में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए समावेशी निर्णय निर्माण की प्रक्रिया सुनिश्चित करनी चाहिए। इस प्रक्रिया में नागरिक समाज संगठनों सहित सभी हितधारक शामिल होने चाहिए। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बात करते हैं कि भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो क्या हैं। तो पहला, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा जो है 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्य कर रहा है। ठीक है, राज्यों को अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर अपने व्यय की योजना बनाने की स्वतंत्रता दी गई। केंद्र प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन किया गया। उज्ज्वल डिस्काम इंश्योरेंस योजना उदय के तहत वित्तीय क्षेत्र के बेल आउट संबंधी कार्यक्रम को कार्यान्वित किया गया। राज्यवार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग तैयार की गई। वस्तु एवं सेवा कर GST प्रणाली को लागू किया गया। नीति आयोग द्वारा विविध कदम उठाए गए, जैसे प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और सभी मुख्यमंत्रियों के बीच बैठकें आयोजित करना, राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर मुख्यमंत्रियों के उपसमूह का गठन करना, राज्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के पदाधिकारियों को नीतिगत समर्थन प्रदान करना और उनकी क्षमता का विकास करना, पिछड़े जिलों के विकास के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम स्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की शुरुआत करना, भूमि पट्टे पर देने और कृषि विपणन सुधारों के लिए आदर्श कानून तैयार करना, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों और द्वीपीय राज्य क्षेत्रों के विकास के लिए क्षेत्र विशिष्ट पहलें करना, शिक्षा और स्वास्थ्य में बदलाव शुरू करने हेतु मानव पूंजी परिवर्तन के लिए संधारणीय कार्रवाई सात कार्यक्रम का आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम के तहत भविष्य के 3 रोल मॉडल राज्यों की पहचान करना और उनका निर्माण करना भी शामिल है। आगे चलते हैं, अगला है अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के संबंध में। अंतर्राज्यीय सीमा विवाद, देखिए चर्चा में क्यों आया था कि हाल ही में असम और अरुणाचल प्रदेश ने दशकों से चल रहे अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जो कुछ प्रमुख सीमा विवाद हैं वो देख सकते हैं। तो इसमें देखिए आपका हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का सीमा विवाद है, पंचकुला के पास परमाणु क्षेत्र को लेकर के, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में दोनों के बीच सरचू सीमा को लेकर विवाद है और यह लेह मनाली राजमार्ग के पास स्थित है। इसी प्रकार से हरियाणा पंजाब के मध्य चंडीगढ़ को लेकर विवाद चल रहा है और
गुजरात राजस्थान के मध्य में मानगढ़ पहाड़ी को लेकर विवाद चल रहा है। इसी प्रकार से उड़ीसा पश्चिम बंगाल अतीत में दोनों के बीच मुख्य भूमि सीमाओं को लेकर विवाद रहा था। इनके बीच बंगाल की खाड़ी में अवस्थित कनिका सैंड द्वीप को लेकर विवाद। ध्यान रखिएगा कनिका सैंड कहाँ है, तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र कर्नाटक दोनों के बीच बेलगाम जिले को लेकर विवाद रहा है। बेलगाम जिले में ज़्यादातर मराठी भाषी आबादी निवास करती है। यह जिला 1956 में कर्नाटक के अधीन आने से पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। इसी प्रकार से कर्नाटक केरल विवाद, तो दोनों के बीच कासरगोड को लेकर के विवाद है। यह नगर केरल का भाग है जहाँ कई कन्नड़ भाषी लोग निवास करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि अंतर्राज्यीय सीमा विवादों का प्रभाव क्या होता है, इससे प्रभाव क्या उत्पन्न होता है। तो पहला है, विवादित क्षेत्रों में समृद्धि और विकास में कमी आती है। कई बार इससे ग्रसित क्षेत्र में सामाजिक सद्भाव बिगड़ जाता है। इसके कारण विस्थापन, संपत्ति की क्षति आदि के साथ साथ लोगों को कई तरह की परेशानियां भी होती हैं। साथ ही विवाद में शामिल राज्यों के बीच अक्सर तनावपूर्ण संबंध देखने को मिलते हैं और इसके चलते कई बार अलगाववादी प्रवृत्तियाँ और समूहों का उदय देखने को मिलता है या उन्हें बढ़ावा मिलता है, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के कारणों की, क्या कारण होते हैं इन विवादों की। तो पहला है औपनिवेशिक विरासत। देखिए, अंग्रेज अपने शासन को सरल एवं आसान बनाना चाहते थे, जिससे भारत में प्रशासनिक एकीकरण तो हुआ किंतु सांस्कृतिक एवं भाषाई एकीकरण ना हो सका। इससे लोगों की व्यक्तिगत पहचान और उनके आवासीय क्षेत्रों के बीच असंतुलन स्थापित हुआ। दूसरा, अलग अलग भौगोलिक विशेषताएं। तो ये तो मेनली आपका जो पहाड़ी इलाके हैं, जैसे कि आपका असम और अरुणाचल प्रदेश, वहाँ संबंधित इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं। दोनों राज्यों, मतलब इस प्रकार के जो पहाड़ी राज्य हैं, वहाँ पर क्या होता है कि सीमाओं पर नदियाँ, पहाड़ियाँ और जंगलों के रूप में जटिल भूभाग मौजूद होते हैं, जैसे कि आपका असम और अरुणाचल प्रदेश के मामले में है। इससे दोनों राज्यों की भौतिक सीमाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाना कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त सीमा विवाद के समाधान के लिए अपर्याप्त तंत्र का होना। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में न्यायिक निवारण, जुडिशियल रिड्रेसल, और अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल का प्रावधान किया गया है। दुर्भाग्यवश न्यायिक निवारण से राजनीतिक विवादों का समाधान संभव नहीं है, न्यायिक निवारण जुडिशियल रिड्रेसल से, और अंतर्राज्यीय सीमा विवादों के निपटान के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक भी कभी कभी ही होती है। पिछले 16 वर्षों में केवल 2 बैठकें हुई हैं, ये एक चिंता का विषय है। इसके अतिरिक्त जो अगला रीजन है वो गठित आयोगों या समितियों की गैर बाध्यकारी प्रवृत्तियाँ प्रकृति। देखिए, सामान्य तौर पर वास्तविक या जमीनी स्थिति समझने के लिए समितियों का गठन किया जाता है। हालांकि इनकी सफलता इनके प्रभावी कार्यान्वयन पर निर्भर करती है, चूंकि अलग अलग समूहों के राजनीतिक हित भी अलग अलग होते हैं। इसलिए ये समूह समितियों की सिफारिशों को नज़रअंदाज कर देते हैं और या उनका क्रियान्वयन उचित रूप से नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए 1966 में केंद्र ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में सीमा विवाद के समाधान के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मेहर चंद महाजन के नेतृत्व में महाजन आयोग का गठन किया था। हालांकि बेलगाम के संबंध में आयोग की सिफारिशों को महाराष्ट्र ने अस्वीकार कर दिया था। अगला पॉइंट है राजनीतिक मतभेद का होना। राजनीतिक विचारधाराओं में अंतर, दल से संबद्धता और क्षेत्रीय हित भी अंतर्राज्यीय सीमा विवाद का कारण बन सकते हैं। राजनीतिक दल एवं नेता ऐसे विवादों को लोगों को संगठित करने और चुनावी लाभ प्राप्त करने के एक माध्यम के रूप में उपयोग करते हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के समाधान के लिए दीर्घकालिक प्रयासों और राजनीतिक प्रतिबद्धता का अभाव रहता है, जिसके कारण ये विवाद बने रहते हैं। इससे राज्य की सीमाओं पर तनाव और संघर्ष की स्थिति में वृद्धि होती है। आगे क्या किया जा सकता है। पहला है, आपसी समझौते के दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। सरकार को किसी ऐसे दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए जिससे विवाद के पक्षकार सभी राज्यों को फायदा हो। इसमें किसी एक राज्य को क्षति और दूसरे को लाभ की स्थिति नहीं होनी चाहिए। इस तरह के विवाद का निवारण केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व होना चाहिए। साथ ही केंद्र सरकार को राज्यों को उचित मुआवजा भी समय पर देना चाहिए। दूसरा, मुख्य मुद्दों को समझना चाहिए। नीति निर्माताओं को विवाद के मुख्य मुद्दों को समझना चाहिए। ऐसे विवादों के हल के लिए केंद्र सरकार की मध्यस्थता में एक राजनीतिक समाधान खोजने हेतु और अधिक प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही यह समाधान सभी पक्षों पर बाध्यकारी भी होना चाहिए। अगला है, लोगों के बीच जागरूकता में वृद्धि करनी। तो देखिए, राजनेताओं को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण सीमाओं के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए।
तथा राजनेताओं को इस बात का आश्वासन देना चाहिए कि सीमाओं पर शांति होगी तो बेहतर अवसंरचना, कनेक्टिविटी और विकास संभव होगा। अगला है, सभी हितधारकों को शामिल करना चाहिए। स्थानीय लोगों को शामिल करने से सरकार और लोगों के बीच की दूरी कम होगी, इससे दोनों के मध्य संपर्क में वृद्धि होगी और सरकार को गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाजों और छात्र संगठनों की सहायता से पारस्परिक सह अस्तित्व और विकास की अवधारणा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उचित पुनर्वास नीति तैयार करनी चाहिए। कई बार सीमा विवाद का समाधान लोगों के विस्थापन का कारण बन जाता है। लोगों के अनुकूल समाधान नीति विवाद समाधान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण बनाएगी, साथ ही लोगों के बीच विश्वास को बढ़ाने में भी सहायक होगी। साथ ही अगला है, लोगों के हित को सर्वोपरि रखना चाहिए। ग्रामीण स्तर पर अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को हल करने से वास्तविक शिकायतों का समाधान हो सकता है, साथ ही प्रभावी समाधान के लिए लोगों के हितों को वरीयता दी जानी चाहिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि राज्यों के बीच विवादों का समाधान करने के तरीके क्या हैं। तो इसमें पहला आपका आता है, पहला न्यायिक निवारण। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट अपनी आरंभिक अधिकारिता के तहत राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करता है। संविधान के अनुच्छेद 131 में यह प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को निम्नलिखित विवादों में आरंभिक अधिकारिता प्राप्त होगी। भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, या एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों तथा दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच विवाद, तीसरा दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद। तो इन तीनों कंडीशन में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट को आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है। दूसरा जो समाधान का तरीका है वो अंतर्राज्यीय परिषद, तीन है, दूसरा अंतर्राज्यीय परिषद है, तीसरा क्षेत्रीय परिषद। अनुच्छेद 263, राष्ट्रपति को राज्यों के बीच विवादों का समाधान करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद गठित करने की शक्ति प्रदान करता है। परिषद की परिकल्पना राज्यों और केंद्र के बीच चर्चा के लिए एक मंच के रूप में की गई है। इसके निम्नलिखित कर्तव्य हैं, क्या राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गए हैं उनकी जाँच करना और उन पर सलाह देना, कुछ या सभी राज्यों अथवा संघ और एक या एक से अधिक राज्यों के साझा हित से संबंधित विषयों की जाँच करना एवं उन पर विचार विमर्श करना, तथा ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करना और विशेषता उस विषय के संबंध में नीतियों कार्रवाई के बेहतर समन्वय के लिए सिफारिश करना। क्षेत्रीय परिषद जोनल काउंसिल, ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा गठित वैधानिक निकाय हैं। इनका उद्देश्य राज्यों के साथ प्रदेशों तथा केंद्र के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है। ये केवल विचार विमर्श एवं सलाहकारी निकाय हैं। तो समाधान के तीन तरीके हैं, आपका न्यायिक निवारण, अंतर्राज्यीय परिषद और आपका क्षेत्रीय परिषद। अगला यहाँ पर हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो है भारत में भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण, लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया। देखिए सुर्खियों में क्यों रहा है, क्योंकि 28 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने भूमि अभिलेखों के लिए राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली NGDRS, इंग्लिश में कहते हैं नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम को अपनाया है। साथ ही विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या अल्पिन या ULPIN, इसका इंग्लिश में कहते हैं यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, या भू आधार को 26 राज्यों के साथ प्रदेशों ने अपना लिया है। देखिए अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली NGDRS के बारे में। तो एप्लीकेशन, ये NGDRS देश के दस्तावेज पंजीकरण विभागों के लिए विकसित किया गया एक साझा समरूप और स्थान अनुकूल बनाने योग्य एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है, ठीक है। दूसरा, ये इसको प्रारंभ किसने किया है, तो इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन भूमि संसाधन विभाग के द्वारा आरंभ किया गया है। और राज्य विशिष्ट, तो इसमें क्या है कि NGDRS राज्यों को अपनी आवश्यकता के अनुसार सॉफ्टवेयर को आकार देने की सुविधा प्रदान करता था। नागरिक सेवाएं क्या है इसमें, तो यह एप्लीकेशन संपत्ति और दस्तावेज पंजीकरण के लिए पूर्ण यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। इस प्रकार नागरिकों को भूमि खरीदने की प्रक्रिया को ऑनलाइन आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है। तथा इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जो है वो वन नेशन वन सॉफ्टवेयर के विचार को सक्षम बनाना तथा संपत्ति मूल्यांकन मतलब शुल्कों की स्वतः गणना सहित और ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने को सक्षम करके नागरिक सशक्तिकरण करना, पंजीकरण प्रक्रिया में सभी हितधारकों के लिए एकल मंच उपलब्ध कराना। यहाँ पर हम लोग यदि NGDRS की विशेषताओं की बात करें तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एंट्री की सुविधा, नागरिकों और विभागों को अलर्ट भेजने के लिए SMS की सुविधा, EKYC आधारित प्रमाणीकरण, भूमि रिकॉर्ड प्रणाली के साथ लिंकिंग और स्थानीय भाषा में सहायता। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या अल्पिन के बारे में या भू आधार के बारे में। जैसे व्यक्तियों का आधार होता है वैसे ही भूमि का आधार होता है। तो अल्पिन विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का हिस्सा है। यह किसी भूखंड को आवंटित एक 14 अंकीय पहचान संख्या है। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा विकसित किया गया है।
पहचान का आधार, पहचान का आधार भूखंड की पहचान भूखंड के देशांतर और अक्षांश निर्देशांकों पर आधारित होती है। इसके अतिरिक्त यह कार्य विस्तृत सर्वेक्षणों और जियो रेफरेंस्ड भू संपत्ति मानचित्रों पर निर्भर करता है। इसका महत्व क्या है? यह नागरिकों को सिंगल विंडो सेवा प्रदान करता है, राज्यों में मानकीकरण को सुनिश्चित करता है, भूमि अभिलेखों रिकॉर्ड्स के साझाकरण को सुगम बनाता है, तथा सरकारी भूमि का संरक्षण करता है और पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। अब हम लोग बात करते हैं भारत में भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता क्या रही है। तो देखिए, पहला, निर्णायक भू स्वामित्व की ओर बढ़ना। भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य वर्तमान अनुमान आधारित भू स्वामित्व प्रणाली की बजाय निर्णायक भूस्वामी की प्रणाली को अपनाना। वर्तमान में भारत में किसी संपत्ति का स्वामित्व अनुमान आधारित भूस्वामित्व अधिकार अभिलेख के माध्यम से सिद्ध होता है, अर्थात दस्तावेजों की एक श्रृंखला जो वर्तमान भूस्वामी को बीते हुए वर्षों के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्वामित्व के हस्तांतरण का प्रमाण प्रदान करती है। साथ ही पंजीकरण अधिनियम 1908 के अनुसार अनुमान आधारित भूस्वामित्व का अर्थ है कि राज्य ऐसे अधिकारों के लिए कोई गारंटी नहीं देता है। भूमि विवाद के संदर्भ में देखिए, वर्ष 2017 में डच सोसाइटी द्वारा एक्सेस टू जस्टिस नामक एक सर्वेक्षण कराया गया। इसके अनुसार भारत में सभी दीवानी मुकदमों का 66% भाग भूमि या संपत्ति के विवादों से संबंधित है, और भूमि अधिग्रहण विवाद की औसत लंबित अवधि जो चलता है केस, वो 20 वर्ष है। तो ऐसे मामलों के निपटारा, मतलब जो भूमि विवाद है, वो इससे कम होगा। इसके अतिरिक्त भूमि अभिलेखों का मानकीकरण, भूमि अभिलेख प्रबंधन की प्रणाली अलग अलग राज्यों में अलग अलग होगी। स्वामित्व अधिकारों के पंजीकरण और अभिलेखीकरण के लिए पूरे देश में मानक प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता होती है। भूमि और उसका प्रबंधन विषय जो है वो संविधान की 7वीं अनुसूची की राजसूची की प्रविष्टि 18 और 45 के तहत राज्य सरकारों के विधायी व प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में शामिल है। वर्तमान प्रणाली में विद्यमान कठिनाइयाँ क्या हैं? अभिलेख रखने की मैनुअल प्रणाली बोझिल और अपारदर्शी है, तथा इनमें हेरफेर की जा सकती है। साथ ही प्रशासन द्वारा इसे प्रशासित करना भी कठिन हो गया है। इसी के साथ भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण के लिए के अन्य लाभ क्या हैं? तो इससे दस्तावेज पंजीकरण की प्रक्रिया के चरणों और पंजीकरण में लगने वाले समय में कमी आएगी। साथ ही नए पंजीकरण के साथ भूमि के स्वामित्व का स्वतः अपडेशन हो जाएगा, तथा भूमि अभिलेखों के लिए नागरिक सेवाओं हेतु एक सिंगल विंडो उपलब्ध करवाएगा। यह जो है, इसके अतिरिक्त क्रेडिट सुविधाओं के लिए ई लिंकेज के रूप में स्पष्ट भूमि अधिकार, संस्थागत ऋण तक आसान पहुंच आदि प्रदान करेगा। इसके माध्यम से ऋण लेना ज़्यादा आसान हो जाएगा। आगे बात करते हैं भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण की दिशा में जो अन्य प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों की, तो इसमें एक आता है डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम DILRRMP डिल रैम्प। तो इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसको जो है, इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन भूमि संसाधन विभाग द्वारा इस कार्यक्रम को 2016 से केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है। यह 2008 में शुरू किए गए राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम NLRMP का एक पुनर्गठित संस्करण है। यह देश भर में एक उपयुक्त एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित करने का प्रयास करता है। साथ ही अलग अलग राज्य इसमें अपनी राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं को प्रासंगिकता और उपयुक्तता के अनुसार शामिल कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें ये जो आपका डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम है, इसके घटक क्या हैं? तो इसमें भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, सर्वेक्षण या पुनः सर्वेक्षण करना और सर्वेक्षण में अधिवास संबंधी रिकॉर्ड्स को अपडेट करना, पंजीकरण कार्यों का कंप्यूटरीकरण, आधुनिकी रिकॉर्ड रूम, तथा क्षमता निर्माण के लिए PMU और DILRMP कच्छ या सेल का निर्माण। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है स्वामित्व योजना। गाँव का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्र, इसे शॉर्ट में कहते हैं स्वामित्व योजना। यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 2021 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। आप इनका इस्तेमाल आप प्रश्न लेखन में कर सकते हैं सुविधानुसार, जहाँ पे इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। इसके क्या उद्देश्य हैं? इसका उद्देश्य ड्रोन तकनीक के उपयोग द्वारा भूखंडों का मानचित्रण करके ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करना और संपत्ति के स्वामियों को कानूनी स्वामित्व कार्ड या संपत्ति कार्ड या स्वामित्व विलेख जारी करने के साथ साथ
गांव के घर के स्वामियों को अधिकार अभिलेख प्रदान करना। तो निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि वर्तमान भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण प्रक्रिया में विरासत के मुद्दों से निपटने के साथ साथ निर्णायक भू स्वामित्व अधिकार प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। साथ ही यह डिजिटलीकरण प्रोग्राम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसी अगली पीढ़ी की तकनीकों से को अपना सकता है। इन तकनीकों के प्रयोग से स्पष्ट भूमि अधिकार और म्यूटेशन मतलब जो दाखिल और खारिज है के स्वचालित अभिलेख की एक प्रणाली तैयार की जा सकती है। हम यहाँ पर तो कुछ एग्जाम्पलों की बात करें, भू अभिलेख आधुनिकीकरण के जो सर्वोत्तम अभ्यास हैं जो कुछ राज्यों के द्वारा अपनाए गए हैं उनको एग्जाम्पल के तौर पर याद रखिए। कर्नाटक का भूमि कावेरी कार्यक्रम, आंध्र प्रदेश की मी सेवा, राजस्थान की धरा ऐप, नीति आयोग द्वारा भूमि अभिलेख प्रबंधन के लिए ब्लॉकचेन के उपयोग का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आदि। अब यहाँ पर हम लोग ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के कुछ के बारे में बात करें, ये संक्षिप्त कुछ सुर्खियाँ हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, यदि इससे प्रश्न बने तो आप लिख सकते हैं। तो ग्रामीण शहरी क्षेत्र रूरल अर्बन एरियाज, देखिए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EACPM ने भारत में ग्रामीण शहरी क्षेत्रों की परिभाषा में बदलाव करने का सुझाव दिया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने शहरी ग्रामीण भारत क्या है शीर्षक से एक वर्किंग पेपर जारी किया। इस पेपर में यह सुझाव दिया गया कि ग्रामीण शहरी क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए सरकार को अधिक गतिशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ग्रामीण और शहरी बस्तियों की वर्तमान परिभाषा की बात करें तो क्या है, वर्ष 2016 तक की स्थिति के अनुसार कोई भी बस्ती जिसे शहरी नहीं माना जाता है उसे स्वतः ग्रामीण मान लिया जाता है। दूसरा, शहरी बस्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, पहला प्रशासनिक रूप से शहरी बस्तियाँ, दूसरा जनगणना के आधार पर शहरी बस्तियाँ। तो प्रशासनिक रूप से जो शहरी बस्तियाँ ऐसी बस्तियाँ हैं जो शहरी स्थानीय निकायों द्वारा शासित होती हैं, ठीक है। और दूसरा जनगणना के आधार पर शहरी बस्तियाँ, ये ऐसी बस्तियाँ जिनकी जनसंख्या 5,000 से अधिक होती है और जिनकी 75% पुरुष जनसंख्या गैर कृषि क्षेत्र में कार्य करती है और जिनका जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या इससे अधिक होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर या इससे अधिक। तो बस्तियों की जो वर्तमान परिभाषा इससे संबंधित समस्याएं क्या हैं, तो इसमें समस्या यह है कि वर्तमान वर्गीकरण भारत में शहरीकरण की बढ़ती गति और विस्तार को शामिल करने में अपर्याप्त सिद्ध हो रही है। दूसरा, वास्तविक शहरी क्षेत्रों में पंचायतें मानव संसाधन के मामले में सक्षम नहीं है। तीसरा, ग्रामीण प्रशासनिक पंचायतों को शहरी पंचायती संस्थाओं अर्थात आपके जो स्थानीय शहरी सरकार हैं या बॉडीज हैं में रूपांतरित करने की गति अत्यंत धीमी है, इस कारण सेवाओं के त्रुटिपूर्ण मानक लागू किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय सार्वजनिक वस्तुएं जैसे पेयजल आदि भी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। जो आपकी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है इसके द्वारा प्रस्तुत किए गए जो समाधान वो क्या है, ट्रिगर मैकेनिज्म अपनाया जाना चाहिए। ट्रिगर मैकेनिज्म क्या है, इससे निर्धारित शर्तें पूरी करने के साथ ही ग्रामीण बस्तियां स्वतः शहरी बस्तियां बन जाएंगी। दूसरा, मंत्रालयों को ग्रामीण बस्ती की परिभाषा को निर्धारित करने के लिए जनगणना और बस्तियों से जुड़े अन्य संकेतकों का उपयोग करना चाहिए जो उनके कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त हों। यहाँ पर हम थोड़ा सा स्थानीय सरकार की संरचना के बारे में बात करें तो स्थानीय सरकार दो प्रकार की है, ग्रामीण स्थानीय सरकार पंचायती राज प्रणाली, दूसरा है शहरी स्थानीय सरकार। जो ग्रामीण स्थानीय सरकार पंचायती राज प्रणाली, इसमें है आपका जिला स्तर पर जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। और शहरी स्थानीय सरकार में बड़े शहरों के लिए नगर निगम होता है, छोटे शहरों के लिए नगर परिषद और अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत होती है। ग्राम सभा क्या होती है, तो 18 वर्ष से अधिक आयु के गाँव के सभी वयस्क इसके सदस्य होते हैं। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय दल के दर्जे के बारे में। राष्ट्रीय दल के दर्जे के बारे में तो देखिए, चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968, तो ये जो नियम है, ये एक्ट है, इसको याद रखिएगा। चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 राष्ट्रीय या राज्य दल के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए मानदंड निर्धारित करता है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय दल हैं, कौन कौन से, भारतीय जनता पार्टी BJP, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, बहुजन समाज पार्टी BSP, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPI, मार्क्सवादी नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP और आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस TMC और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है। निर्वाचन आयोग ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव तथा 2014 के बाद से 21 राज्य विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद उपयुक्त निर्णय लिया है। अब बात करते हैं किसी दल को राष्ट्रीय दल दर्जा कैसे निर्धारित किया जाता है, तो इसके लिए 3 कंडीशन है।
तीन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। पहला, लोकसभा राज्य और राज्य विधानसभाओं में वोट के आधार पर उस दल को लोकसभा या विधानसभा, चाहे वो लोकसभा बात करें या राज्य विधानसभा की, तो उस दल को लोकसभा या विधानसभा चुनाव में चार या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट प्राप्त होने चाहिए। इसके अलावा लोकसभा में उस दल के कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए। दूसरा, लोकसभा सीटों के आधार पर उस दल को कुल लोकसभा सीटों का कम से कम 2% प्राप्त होना चाहिए और इन सीटों के उम्मीदवार कम से कम 3 राज्यों से होने चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, उसे कम से कम 4 राज्यों में एक राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त होना चाहिए। राष्ट्रीय दल के दर्जे का लाभ क्या है, तो देखिए पूरे भारत में इसके द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों को इसके आरक्षित चुनाव चिन्ह को अनन्य तौर पर आवंटित किया जाता है। दूसरा, किसी उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव करने के लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती ताकि वह नामांकन दाखिल कर सके। तीसरा, आम चुनाव के दौरान आकाशवाणी दूरदर्शन पर प्रसारण की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। चौथा, यह अधिकतम 40 स्टार प्रचारक नामांकित कर सकते हैं जबकि अन्य दलों को अधिकतम 20 स्टार प्रचारक नामांकित करने की ही अनुमति होती है। अब बात कर लेते हैं राज्यपाल के बारे में, गवर्नर के बारे में। तो देखिए, तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से आग्रह किया है कि वह राज्यपाल को विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा निर्धारित करे। देखिए, यह प्रस्ताव इसलिए पारित किया गया क्योंकि राज्यपाल ने लगभग 20 विधेयकों को अभी तक अपनी सहमति नहीं दी है। जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल से पारित किए जाने के बाद राज्यपाल को भेजा जाता है तब उसके पास 4 विकल्प होते हैं। वो 4 विकल्प कौन से हैं? पहला, वह विधेयक पर अपनी सहमति देता है, या दूसरा, वह अपनी सहमति रोक देता है, तीसरा, वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए इसे राज्य विधायक को वापस लौटा देता है, परंतु यदि वह धन विधेयक है तो उसे वापस नहीं कर सकता है, और जिसको वह वापस करता है, लौटा देता है, यदि विधेयक संशोधन के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित हो जाता है तो राज्यपाल को अपनी सहमति देना अनिवार्य हो जाता है। तथा चौथी कंडीशन क्या होती है, वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। हाल के वर्षों में राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच संबंधों में कई सारे मुद्दे उभर करके आए, जैसे किसी विषय पर मतभेद होने की स्थिति में राज्यपाल और राज्य सरकारों को सार्वजनिक रूप से किस तरह से संवाद करना चाहिए, इसके लिए प्रावधानों का अभाव है। तथा उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, हाल ही में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल की राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच कटु व द्वेषपूर्ण संवाद देखा गया है। दूसरा, कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा आदि को लेकर राज्य प्रशासन पर नकारात्मक टिप्पणियां सामने आई हैं राज्यपाल के द्वारा। तीसरा, संवैधानिक और वैधानिक भूमिकाओं के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। इस मामले में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति या चांसलर के रूप में राज्यपाल की भूमिका विवाद का एक प्रमुख बिंदु रहा है। चौथा है, विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग भी मतभेद का एक प्रमुख मुद्दा रहा है। इसका एक प्रमुख उदाहरण विधायिका के सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय लेने में लगने वाला समय। और पांचवा है, राज्यपाल को पद से हटाने के लिए कोई लिखित आधार या प्रक्रिया का उल्लेख का नहीं होना है। देखिए, कुछ सिफारिशें प्रस्तावित हैं विभिन्न आयोगों के द्वारा, वो क्या हैं? पहला है सरकारी आयोग के द्वारा, तो राज्यपाल राज्य के बाहर का होना चाहिए, वह सत्ताधारी दल का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरा, NCRWC की रिपोर्ट में जो कहा गया है वो है, राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जानी चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होने चाहिए। तथा अगला है, नवाब रेबिया मामला 2016। इस मामले में यह निर्णय दिया गया है कि अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ सीमित हैं, वह इसके तहत मनमानी नहीं कर सकता। और अगला है पुंछी आयोग 2007 का, राज्यपालों का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए, साथ ही राज्य विधानमंडल द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें पद से हटाने का प्रावधान होना चाहिए। ये कुछ सिफारिशें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के बारे में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट के बारे में। हाल ही में क्रमिक लोक शिकायत कानून और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या पर ध्यान दिया है। देखिए, 31 दिसंबर 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार अधिकरण की अलग अलग पीठों में 80,545 मामले लंबित रहे। इनमें से लगभग 1,350 मामले ऐसे हैं जो पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं। कैट प्रक्रिया नियम 1987 के अनुसार जहां तक संभव हो प्रत्येक आवेदन पर उसके पंजीकरण की तारीख से 6 महीने के भीतर सुनवाई की जानी चाहिए और निर्णय किया जाना चाहिए। लंबित मामलों के जो कारण हैं उनमें है सदस्यों की अपर्याप्त संख्या की अनुपलब्धता का होना। ये कैट की कुछ पीठें तो ऐसी हैं जो स्वीकृत संख्या के 50% के साथ काम कर रही हैं। दूसरा, कैट द्वारा जो इसको सुधारने के लिए जो काम किया जा रहा है वो क्या है कि कैट द्वारा एडवांस केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम को लागू करने पर विचार किया जा रहा है। यह सिस्टम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई की सुविधा प्रदान करेगा, साथ ही अधिकरण के कामकाज को पूर्णतया डिजिटलीकृत करेगा। कुछ सिफारिशें की गई हैं क्या हैं, जैसे कैट द्वारा पेंशन से जुड़े मामलों, वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े मामलों तथा 10 साल से ज़्यादा पुराने मामलों का निपटान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। तथा अधिकरण में मौजूद रिक्तियों को भरने के लिए
भरने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की बात करें कैट की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति इसे संविधान के अनुच्छेद 223A के तहत 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? संघ या अन्य प्राधिकरणों के मामलों के संबंध में लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों संबंधित विवादों और शिकायतों का न्याय निर्णय करना तथा कुछ फैक्ट देखें तो यह वाद का निर्णय करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का को ध्यान में रखता है तथा यह सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है। दूसरा, सरकार ने 215 संगठनों को कैट के अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए अधिसूचना जारी की है तथा भारत भर में कैट के 19 खंडपीठ या बेंच और 19 सर्किट बेंच हैं। संबंधित उच्च न्यायालय चंद्र कुमार वाद में कहा गया कि संबंधित उच्च न्यायालय में कैट के आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी की बात करें, न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी के संबंध में तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण को सुनिश्चित करने के लिए सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य न्यायपालिका में दक्षता, प्रक्रियागत समानता और सहजता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के अनुकूलन को बढ़ावा देना है। रिकॉर्ड के रूपांतरण के लिए सुप्रीम कोर्ट की ई समिति ने मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसके तहत सभी उच्च न्यायालयों को एक डिजिटलीकरण शेल, न्यायिक डिजिटल रिपोजिटरी और एक मानकीकृत प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता क्यों है? तो पहला, महामारी जैसी स्थितियों में भी कार्रवाइयों को जारी रखने और लोगों की भागीदारी दरों में सुधार करने के लिए। दूसरा, त्वरित व लागत प्रभावी न्याय वितरण सुनिश्चित करने के लिए। तीसरा, न्यायालयों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने के लिए, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए, न्याय को समान रूप से सुलभ बनाकर ग्रामीण शहरी अंतर को समाप्त करने के लिए। न्याय के वितरण में प्रौद्योगिकी के उपयोग में आने वाली चुनौतियां क्या हैं? पहला है डिजिटल डिवाइड, लोगों में तकनीकी जानकारी की कमी का होना, आरंभिक पूंजी गहनता, साइबर सुरक्षा का जोखिम आदि। इस संबंध में आरंभ की गई अन्य पहलें क्या हैं? ई कोर्ट मिशन, यह न्यायपालिका के डिजिटलीकरण के लिए एक मिशन मोड परियोजना है। अदालत, पुलिस, जेल प्रशासन जैसे हितधारकों के बीच डेटा और सूचना के निर्बाध हस्तांतरण को सक्षम बनाने के लिए इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS की स्थापना की शुरुआत की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फास्टर लॉन्च किया है। यह एक सॉफ्टवेयर है जो इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सुरक्षित रूप से न्यायालय के आदेशों को तेजी से प्रसारित करता है। सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, जिसे शॉर्ट में कहते हैं सुवास, अंग्रेजी में दिए गए निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण है। इसके आप निष्कर्षों को बहुत जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप निबंध में या जो आंसर राइटिंग वहाँ पे भी। यह जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। इस रिपोर्ट को टाटा ट्रस्ट ने जारी किया है। इसे सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, डच विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी जैसे कई नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों के सहयोग से जारी किया गया है। यह रिपोर्ट प्रत्येक राज्य के प्रमुख न्याय वितरण तंत्रों, जिसमें न्यायपालिका, पुलिस, जेल और विधिक सहायता है शामिल है, को क्षमतावान बनाने में उनकी प्रगति का आकलन करती है और रैंक प्रदान करती है। इसके जो प्रमुख निष्कर्ष हैं वो कई सेक्टर में बांटे गए, जैसे न्यायपालिका के संबंध में, तो सिक्किम उच्च न्यायालय और चंडीगढ़ की जिला अदालतों को छोड़कर देश में कोई भी न्यायालय न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या के साथ कार्य नहीं कर रहा है। और वहीं जिला न्यायालय स्तर पर कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश न्यायाधीशों के अपने सभी SC ST और OBC के कोटे को पूरी तरह से नहीं भर सका है। उच्च न्यायालयों में SC ST और OBC वर्ग के न्यायाधीशों का पर डेटा उपलब्ध नहीं है। पुलिस के संबंध में क्या निष्कर्ष है कि एक भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पुलिस में महिलाओं के लिए आरक्षित कोटे को पूरा नहीं करता है। केवल कर्नाटक ने पुलिस बल में SC ST और OBC के लिए अनिवार्य कोटा भर लिया है। वहीं 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी पुलिस स्टेशन अपने समकक्ष ग्रामीण पुलिस स्टेशनों की तुलना में अधिक आबादी को सेवा प्रदान करते हैं। जेल के संबंध में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा तथा मध्य प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विचाराधीन कैदियों की संख्या 60% से अधिक है। और वर्ष 2020-21 में 24 राज्यों के कुल कैदियों में केवल 5% कैदी ही शिक्षित थे। विधिक सहायता के संबंध में तो विधिक सेवा क्लिनिकों की संख्या 2020 में 14,159 थी। ये 2022 में कम होकर के 4,742 हो गई है। लोक अदालतों ने 2021-22 में 7,322 करोड़ रुपए मूल्य के मामलों का निपटारा किया था। राज्य मानवाधिकार आयोग, तो मार्च 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार सभी 25 राज्य मानवाधिकार आयोग में कुल 33,312 मामले लंबित हैं और सभी 25 राज्य मानवाधिकार आयोग में औसतन 44% रिक्तियां शामिल हैं, मतलब रिक्तियां हैं।
तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।